हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रोमांटिक कॉमेडी मूवी को, जिसे 2012 में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है दिस इज 40, जिसे डायरेक्ट किया था जेड एप्टो ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में, जो है 6.2 आउट ऑफ 10 स्टार। इसमें दिखाया गया है जब कपल 40 साल के हो जाते हैं तो उन्हें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और उनके रिश्तों में कैसे झगड़े आते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक मैरिड कपल पिट और डेबी को देखते हैं, जो शावर लेते वक्त इंटीमेट हो रहे होते हैं। पिट बोलता है आज उसने बायग्रा लिया है, इसलिए वो इतना एनर्जेटिक है। लेकिन उसकी ये बात डेबी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बाथरूम से बाहर आ जाती है। उसे लगता है अब वो पिट को अट्रैक्टिव नहीं लगती, इसलिए उसे उसकी बजाने के लिए बायग्रा लेना पड़ रहा है। पिट उसे कहता है ऐसा कुछ नहीं है और बढ़ती उम्र के साथ जोश में कमी आना आम बात है। लेकिन डेबी का मानना था पिट के फास्ट फूड और मीठा खाने के रीज़न से उसके जोश में कमी आ रही है। फिर हम देखते हैं अगले दिन डेबी का बर्थडे होता है और उसकी उम्र लगभग 40 साल हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी वो सबको अपनी उम्र कम ही बताती है, क्योंकि वो इतनी जल्दी ओल्ड लेडी कहलाना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ पिट भी लगभग 40 साल का हो चुका था और उसका बर्थडे भी इसी हफ्ते आने वाला था। इनकी दो बेटियाँ भी होती हैं, जिसमें एक का नाम सैडी है जो एक टीनेजर होती है और दूसरी का नाम चार्लोट है जो 8 साल की है। पिट और डेबी में बिल्कुल भी नहीं बनती। उम्र बढ़ने के कारण ये दोनों छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं और उम्र के साथ साथ दोनों की पसंद भी डिफरेंट होने लगती है। डेबी को जिस तरह का म्यूजिक पसंद आता है, उस तरह का म्यूजिक पिट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर एक दिन डेबी अपनी शॉप में जाती है जहाँ दो लड़की डेजी और जोड़ी काम करती हैं। डेबी को पता चलता है सेल्स स्टॉक से $12,000 गायब हैं। डेबी जोड़ी से पूछती है, तब जोड़ी कहती है ये काम डेजी का होगा और उसने ही पैसे चुराए होंगे। लेकिन डेबी को इस बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि डेजी शॉप में काफ़ी अच्छा काम करती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं पिट का भी एक म्यूजिक स्टोर होता है जहाँ वो पुराने एल्बम्स बेचता है। लेकिन आजकल पिट के बिजनेस की बैंड बजी हुई थी। पिट अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कुछ पुराने रॉक स्टार को भी बुलाता है, लेकिन आजकल के लोगों को पुराने एल्बम्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए पिट का ये प्लान भी फेल हो जाता है और उसे बिजनेस में काफ़ी लॉस होता है, जिस वजह से वो अपनी EMI भी टाइम पर नहीं भर पाता और उसके घर बेचने की नौबत भी आ जाती है। लेकिन वो इसके बारे में डेबी को बिल्कुल भी नहीं बताता, क्योंकि वो उसे टेंशन में नहीं डालना चाहता था। फिर हम देखते हैं पिट डेबी से कहता है उन्हें ज़िंदगी हंसी खुशी जीना चाहिए और अब उन्हें इस तरह से झगड़ना नहीं चाहिए। फिर इस सब के लिए वो कुछ रूल्स बनाते हैं, जैसे वो डेली एक्सरसाइज करेंगे, पिट को मीठा खाना छोड़ना होगा, डेबी को सिगरेट पीना छोड़ना होगा और वो दोनों अपनी बेटियों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। साथ ही पिट को अपने फादर को पैसे भेजना भी बंद करना होगा, क्योंकि उसके फादर काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगते थे। फिर पिट और डेबी दोनों इन सब रूल्स को मानने के लिए एग्री हो जाते हैं। फिर उसी रात शॉप का CCTV चेक करते वक्त डेबी पिट को बताती है उसकी शॉप से $12,000 गायब हैं और ये काम शायद डेजी ने किया है। लेकिन डेबी उस पर सीधा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती थी, क्योंकि डेजी की ही वजह से शॉप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। फिर CCTV चेक करते वक्त दोनों को पता चलता है डेजी अपने कस्टमर के साथ शॉप में ही इंटीमेट हो जाती है, लेकिन इस सब से डेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फिर अगले दिन पिट अपने फादर लैरी से मिलने जाता है, जिनके और 3 बच्चे होते हैं। पिट अपने फादर से कहता है कि अब वो पैसे नहीं बेच सकता, लेकिन लैरी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है और मजबूरी में उसे लैरी को पैसे देने ही पड़ते हैं। लेकिन वो ये बात डेबी से छुपा लेता है, क्योंकि उसे पता था अगर वो ये बात डेबी को बताएगा तो वो गुस्सा करेगी। डेबी भी अपने बायोलॉजिकल फादर ओलिवर से मिलने जाती है। ओलिवर ने कई साल पहले ही डेबी की मदर को छोड़ दिया था, फिर किसी और से शादी कर ली थी और आज 7 साल के बाद वो डेबी से मिल रहे थे। इसके बाद वो अपनी बेटियों को बताती है कि उन्हें घर का खर्चा कम करना होगा, जिसके लिए वो घर से वाईफाई निकलवा रहे हैं और कंप्यूटर भी दिन में बस 30 मिनट चलाया जाएगा। ये सुनकर सैडी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, क्योंकि वो अपना ज़्यादातर टाइम कंप्यूटर पर ही बिताती थी। पिट और डेबी दोनों अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे। फिर ये दोनों वीकेंड मनाने के लिए एक रिजॉर्ट पर जाते हैं, जिससे उन्हें अपनी स्ट्रेस लाइफ से थोड़ी ब्रेक मिल सके। रिजॉर्ट में पिट डेबी को बताता है कि वो अपने साथ नशीली कुकीज़ लाया है। फिर ये दोनों वो कुकीज़ खा लेते हैं। फिर दोनों नशे में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। कुछ टाइम रिजॉर्ट में बिताने के बाद दोनों घर आ जाते हैं। फिर दोनों के लिए बोरिंग लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाती है। एक दिन जोड़ी डेबी को बताती है कि डेजी ने काफ़ी महंगे कपड़े खरीदे हैं और एक कार भी ली है। इस सब के लिए पैसे उसने शायद शॉप से ही चुराए हैं। डेबी को भी अब डेजी पर शक होने लगता है। फिर डेबी चालाकी से डेजी के कपड़ों के बारे में पूछती है, लेकिन डेजी उसे बताती है उसने ये कपड़े घर में ही बनाए हैं।
फिर डेबी देखती है डेजी के ब्रेस्ट काफी बड़े हैं। ये देखकर उसे लगता है डेजी ने कोई महंगा ऑपरेशन करवाया होगा, लेकिन डेजी उसे कहती है ये नेचुरल है। उसी दिन सैडी अपनी फ्रेंड को अपने घर लेकर आती है और सैडी डेबी से वाईफाई ऑन करने की परमिशन मांगती है, लेकिन डेबी वाईफाई ऑन करने से मना कर देती है, जिससे सैडी को गुस्सा आ जाता है और वो डेबी से बहस करने लगती है। फिर नाराज होकर डेबी सैडी से उसका मोबाइल और कंप्यूटर दोनों छीन लेती है। रात को पिट और डेबी दोनों मिलकर सैडी का मोबाइल चेक करते हैं, तब उन्हें पता लगता है सैडी के पिक्चर्स पर कोई जोसेफ नाम का लड़का नेगेटिव कमेंट करता है। फिर उसी टाइम पिट को अपनी शॉप से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि इस बार एल्बम्स और भी ज़्यादा कम सेल हुई हैं, लेकिन पिट ये बात भी डेबी से छुपाता है। लेकिन अगले ही दिन इनका सीए डेबी को सब कुछ बता देता है कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, पिट और उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है और वो अभी भी अपने फादर को पैसे देता है। इसके बाद डेबी अपने गायनोकोलॉजिस्ट से पास चेक करवाने के लिए जाती है। फिर यहाँ उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये सुनकर डेबी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो इस उम्र में बच्चा नहीं चाहती थी और वो दो बच्चों को मुश्किल से ही संभाल पा रही थी। डेबी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये न्यूज़ पिट को कैसे दे। फिर हम देखते हैं पिट और डेबी सैडी के स्कूल में जाते हैं। तभी डेबी पिट से पूछती है क्या उसे दो से ज़्यादा बच्चे चाहिए, जिसे सुनकर पिट कहता है कि उसे तो एक ही बच्चा चाहिए था, लेकिन दो भी ठीक हैं और तीसरा बच्चा तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये सुनकर डेबी उसे प्रेगनेंसी वाली बात नहीं बताती और वो उससे ये बात छुपा लेती है। कुछ टाइम के बाद डेबी को कैंपस में ही वही जोसेफ नाम का लड़का मिलता है, जो सैडी के पिक्चर्स पर निगेटिव कमेंट करता है, जिसे देखकर डेबी उसे धमकाती है और उसे गाली देती है, जिसे सुनकर जोसेफ वहीं पर रोने लगता है। ये देखकर डेबी उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। उसी रात डेबी डेजी को लेकर एक बार में जाती है, जिससे वो आसानी से डेजी से शॉप में हुई चोरी के बारे में पूछ सके। दोनों बार में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, लेकिन एक लड़का डेबी को सिंगल समझकर उसके साथ इंटीमेट होने के लिए भी कहता है, लेकिन डेबी उसे बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो शादीशुदा है। बाहर से लौटते वक्त डेबी डेजी से पूछती है क्या वो शॉप में हुई चोरी के बारे में कुछ जानती है, जिस पर डेजी उसे साफ मना कर देती है। लेकिन डेबी उससे पूछती है कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं। फिर डेजी उसे सच बताती है कि वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है, जिससे वो लोगों से पैसे लेकर इंटीमेट होती है। और वो डेबी को ये भी बताती है कि शॉप से हुई चोरी कोई और नहीं मासूम दिखने वाली जोड़ी ने ही की होगी, क्योंकि वो ड्रग्स भी लेती है। ये सब सुनने के बाद डेबी भी अपना सर डेजी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसने ये बात अभी तक पिट को नहीं बताई है। फिर डेजी डेबी से कहती है कि वो ये बात पिट के साथ इंटीमेट होते वक्त बताए। फिर रात को इसी इरादे के साथ वो पिट के पास जाती है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता, जिससे डेबी को बहुत ख़राब लगने लगता है और उसे लगता है कि पिट अब उससे पहले की तरह प्यार नहीं करता। पिट ऑलरेडी अपने बिजनेस को लेकर टेंशन में होता है और फिर डेबी भी उसे इस सब के बारे में कहती है, जिसके कारण पिट इरिटेट हो जाता है और वो डेबी से झगड़ने लगता है और फिर ये दोनों बात करना बंद कर देते हैं। अगले दिन पिट अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने जाता है। फिर उसे जोसेफ की माँ कैथरीन आकर मिलती है और वो उसे अपनी वाइफ को समझा कर रखने के लिए कहती है, जिसे सुनने के बाद पिट को भी गुस्सा आ जाता है। फिर वो कैथरीन और जोसेफ को गाली देने लगता है और कैथरीन प्रिंसिपल से इसके बारे में कंप्लेंट कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेबी जोडी से मिलती है और फिर जोडी एग्री करती है कि उसने ही पैसे चुराए हैं ड्रग्स खरीदने के लिए और वो उस टाइम भी नशे में होती है। ये सब सुनने के बाद डेबी उसे जॉब से निकाल देती है। फिर उसे स्कूल से मैसेज आता है और उसे स्कूल में बुलाया जाता है, इसलिए वो दोनों मिलकर स्कूल जाते हैं, जहाँ कैथरीन प्रिंसिपल से कहती है कि इन दोनों ने उसे और उसके बेटे को गंदी गालियाँ दी हैं। लेकिन प्रिंसिपल के सामने वो दोनों मासूम दिखने की एक्टिंग करते हैं और कहते हैं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, जिसे सुनकर कैथरीन काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उन दोनों के साथ साथ प्रिंसिपल को भी गालियाँ देने लगती है। और ये सब देखकर पिट और डेबी को प्रिंसिपल मासूम समझकर घर भेज देती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जब सैडी को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसका फ़ोन चेक कर रहे थे और उन्होंने जोसेफ को धमकाया है, तो वो उनसे नाराज़ हो जाती है और उन्हें बहुत सुनाती है। अगले दिन पिट की बर्थडे पार्टी होने वाली थी। फिर वो दोनों बात करते हैं और कहते हैं कि उनके बीच झगड़े उनके पेरेंट्स की वजह से होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स के साथ अच्छे से पेश आएंगे तो उनके बीच की लड़ाइयाँ भी कम होंगी। और वो डिसाइड करते हैं कल पूरा दिन वो पॉजिटिव रहेंगे। अगले दिन पिट की बर्थडे पार्टी होती है, जिसमें काफ़ी सारे लोग आए होते हैं और पिट के फादर लैरी और डेबी के फादर ओलिवर भी आते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन लंच के टाइम इन दोनों में फिर से बहस होने लगती है। लैरी ओलिवर से कहता है कि वो 7 सालों में डेबी से क्यों नहीं मिला और वो इतना अमीर है तो इनकी मदद क्यों नहीं कर रहा है, जिसे सुनकर डेबी गुस्सा हो जाती है और वो लैरी से कहती है कि वो अपने बेटे से पैसा मांगना बंद कर दें।
जिस वजह से पिट और डेबी में बहस होने लगती है। कुछ टाइम के बाद पिट अपना केक कट करता है और डेबी छुपकर सिगरेट पीने लगती है, लेकिन सैडी उसे देख लेती है और उस पर चिल्लाती है। ये सुनकर डेबी की एक फ्रेंड गलती से बोल देती है कि प्रेगनेंसी में सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। फिर ये बात पिट और पूरी फैमिली सुन लेती है, जिसे सुनकर पिट गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने प्रेगनेंसी वाली बात उससे छुपाई, और वो अपनी साइकिल लेकर बाहर चला जाता है। डेबी फिर अपने फादर से बहस करने लगती है कि वो उसे सालों पहले छोड़कर क्यों चले गए थे, और अगर वो नहीं गए होते तो उसकी लाइफ भी परफेक्ट होती जैसे ओलिवर की है। फिर ओलिवर कहता है उसके पास पैसे जरूर हैं, लेकिन वो भी खुश नहीं है। उसका बेटा ड्रग्स लेता है और उसकी बीवी कभी उससे बात नहीं करती। उसके पास फैमिली के नाम पर कुछ नहीं है जिससे वो 2 मिनट के लिए बात कर सके, इसलिए वो पिट के बर्थडे पार्टी में आया था जिससे वो उसकी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। ये सब सुनकर डेबी ओलिवर को माफ कर देती है और उसे कुछ टाइम और रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे पिट को ढूंढने जाना था। फिर वो लैरी के साथ पिट को ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ पिट बहुत तेजी के साथ साइकिल चला रहा होता है और अचानक से एक आदमी अपनी कार के डोर को ओपन करता है और पिट उसमें जाकर टकरा जाता है। फिर वो उस आदमी से लड़ाई करने लगता है, लेकिन वो आदमी पिट को मारकर वहां से भाग जाता है। जब लैरी और डेबी पिट को देखते हैं तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वेटिंग एरिया में वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। लैरी कहता है डेबी काफी अच्छी है और उसी की वजह से उसकी फैमिली बनी हुई है। फिर डेबी पिट से मिलने जाती है और उसे माफी मांगती है। पिट उससे कहता है कि वो प्रेगनेंसी वाली बात सुनकर काफी खुश है, लेकिन वो सिर्फ इस बात से गुस्सा है कि उसने ये बात उससे छुपाई। और रही बात फाइनेंशियल कंडीशन की, तो वो अपने घर को बेचकर किसी छोटे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और इसके बाद से पिट और डेबी के रिश्ते काफी सुधरने लगते हैं और दोनों में फिर से अच्छा कनेक्शन बनने लगता है, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।